ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आने वाला है बहुत ही मजा आप लोगों को, क्योंकि इतना खुशगवार मौसम बाहर हो रहा है और ऐसे घर में मजे मजे के खाने बन रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, फुल मजा आ रहा है। तो सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर दी जाए जिसमें हम बना रहे हो मॉनसून स्पेशल। वैसे ही फ्रेंड मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, वैसे तो मुझे नहीं पता व्हाट्स एक प्रोनाउंसिएशन मॉनसून, कुछ लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं मॉनसून, कुछ बोलते हैं मॉनसून, कुछ बोलते हैं मून मानसून कुछ इस तरीके से, बट इस वीडियो के बकायदा मैंने प्रोनाउंसिएशन नेट पर सर्च करके मैं आई हूँ यहाँ पे। इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मून और सून, मॉनसून ऐसी इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो उसके वेदर में आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। पकौड़े मैं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं पकौड़े बना चुकी थी, आज आलू के पराठे बनाऊंगी आप लोगों के सामने। आज जो मेरी हेल्प कराने आ रही है मेरी मेंटर, ऑफ कोर्स माय मॉम, द वन एंड ओनली खान काशिफ खान, तो आज हमारे साथ मौजूद है। अब आप लोग डिसाइड करेंगे इस वीडियो देखने के बाद कि मम्मा मेरी हेल्प कराती है या मैं उनकी हेल्प कराती हूँ। मम्मा जो आलू के पराठे बनाती है ऑफ कोर्स वो सेम एज इट इज तरीके से मैं भी बनाती हूँ, बट आप लोग इस वीडियो से सीखेंगे कि रबीता के स्टाइल के पराठे आलू के कैसे बनते, तो वो जरूर आप लोग ट्राई करेगा। मैं मामा के स्टाइल से बनाती हूँ और आप लोग जो बनाएंगे वो रबीता काशिफ खान के स्टाइल से बनाएंगे। तो आज हम आलू के पराठे बनाने वाले हैं। सो गाइस आज हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं और फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पोटैटोज, अनियन, हरा धनिया, हरी मिर्चे, चटनी और एवरीथिंग, इमली की चटनी जो लाजमी डलती है, जो कि मामा के हाथ की स्पेशल लाजमी डलती है और हमारे आलू के पराठे और मतलब टेस्ट में दोबारा हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, तो आ जाइए। मेरे भी तो पहले आप ग्लव्स पहनेंगी फिर आलू कट करेंगे। जी हाँ, सॉरी मैं भूल गई। आइए मेरे ग्लव्स पहनना जरूरी है क्योंकि हम हर काम करने से ग्लव्स पहनते हैं, ये पता नहीं क्यों एक होता है ना इंसान में आदत होना, तो ये जरूर होता है, हम लोग जरूर ग्लव्स पहनते हैं और ये आती भी हमारे घर में सबसे ज्यादा। आजकल तो कोरोना भी चल रहा है आप लोगों को पता ही है अभी भी, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें। घर में भी, घर में तो आप हाथ धो देते बनाते हो खाना वगैरह हर चीज। ग्लव्स हमारे हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं पोटैटो कट करेंगे और आप मसाला बनाएंगे। ये हमारे पास है पोटैटो। आप लोगों को तो पता है कि आलू के पराठे में आलू सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और ऑफ कोर्स आपके रबीता काशिफ खान के सबसे फेवरेट आलू मुझे इतने पसंद है, आप लोगों को तो पता है ना बिरयानी में आलू ना हो तो मैं नहीं खाती, एग्जैक्टली। कभी कभी मम्मा को बोलती है फलाओ में भी आलू डाल दे, तो चार से पांच मेरी डांट भी पिट चुकी थी, मतलब क्या तरीका है ये। तो बस आलू से मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत है। अच्छा हमको सिखा दिया। तो बस आलू खाती रहूं। बट मम्मा जो है वो मुझे कभी मना नहीं करती आलू खाने से, कहती है खाओ, मतलब अभी तुम्हारी उम्र है खाने पीने की, खूब खाओ। मैं बोलती हूँ मैं मोटी ना हो जाऊँ, क्योंकि ऑडियंस मुझे बोलती है, मेरे फैंस वगैरह कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मोटी हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं मोटी हूँ तो फिर वो जो लोग मोटे हैं फिर उनको मोटा नहीं तो और क्या नहीं। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, बोलते हैं क्या मेरी मर्जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आलू कट करूंगी, मम्मा मसाला बनाएंगे, तो मम्मा मसाला बनाने में आलू कट करूंगी। सबसे पहले हम हरा धनिया डालेंगे, मम्मा स्पेशल रेसिपी, ये प्याज डालेंगे और ये ग्रीन चिली, ये आप थोड़ी बहुत डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। ज्यादा स्पाइसी चाहिए ज्यादा स्पाइसी कर लें, कम स्पाइसी चाहिए तो कम डालें। और ये डिपेंड्स ऑन यू। इमली की चटनी, ओप्स आपने गलत बोला, ये इमली की चटनी नहीं है, आपकी स्पेशल इमली की चटनी, इमली की चटनी जो रबीका ने कहा। ये हमारे पोटैटोस मैश
हो गए हैं, मैश बोल रही हूँ सॉरी, कट गए हैं, अब हम इसको मैश करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो हाथों से करते हैं मैश, राइट? हाथ से भी अच्छा हो जाता है, बट हर चीज की फैसिलिटीज आ गई हैं आजकल, तो बस मैश करने का भी, लेमन का जूस निकालने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, एप्पल का जूस निकालने के लिए, काटने के लिए, प्याज के छोटे छोटे हिस्से करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं। तो मतलब क्या क्या नई जनरेशन को मिल रहा है आजकल। लड़कियों के लिए सहूलत आ गई, लड़कियों के लिए सहूलत, क्योंकि पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था ना, हम तो सब हाथ से ही करते हैं। अभी आप देखिएगा मैं हाथ से ही मिक्स कर दूंगी। हमारे मैश हो गए, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको मसाले में डालूंगी हाथ के जरिए, क्योंकि ये हमारे पोटैटोस जो है उसमें डल गए, हम मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने छोटे छोटे हाथों में मिर्चें रख दी थी। अरे मिर्चा की और डाल दीजिए। अच्छा आप नमक भी डालेंगे? ओके डाल, नमक डालने के हस्बे जायका, हस्बे जायका कहते हैं। हाँ नमक जितना कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। एग्जैक्ट, ये नमक में चीनी ले चीनी नहीं लेती नहीं, ये नमक कितना डालना है? मैं अपने लिहाज से डाल दूँ? हाँ अपने लिहाज से थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा और डालूँ ताकि सही रहे। अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर वो आलू जब नहीं अच्छे से मिक्स होता है तो वो मोटा मोटा आ रहा होता है, तो उससे हमारे पराठे जो है वो बीच से ब्रेक हो जाते हैं, राइट? तो वो ब्रेक हो जाते हैं, तो इस चीज से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराठे जो है ना वो फुल जो क्या कहते हैं बल वाले और फुल जो तय होती है पराठे पे वो पूरी अच्छी लगती है, तो इसलिए हम अपने आलू को अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारे पराठे अच्छे बने और आप लोगों को दिखा सकते। और पराठे तो मुझे बल वाले भी बनाने आते हैं, तो वो बल वाले पराठे जब मैं बनाऊंगी उसकी भी रेसिपी आप लोगों से जरूर शेयर करें। आप ऐसा करो ग्रीन चिली और डालो और स्पाइसी खाती है रबीका हमारी ज्यादा, मतलब मैं वो बनती थी मम्मा बचपन में, कहाँ स्पाइसी खाती, बचपन में नहीं खाती थी स्पाइसी, और अब इनको उतना ही शौक है स्पाइसी, नहीं शौक। और बचपन में जो लज़ानिया और पास्ता वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और अब जाके तो इतना पसंद है कि मेरा बच्चा तो पूरे दिन वही खाती है। क्यों मम्मा? अब हम इनको खाने नहीं देते, अब हम खाने, हाँ ये मुझे खाने नहीं देते, कहते डाइट डाइट करो, क्योंकि आपका जो बॉडी है उसको ना हेल्दी चीज़ों की जरूरत है, ये चीज़ी पास्ता ये सब कुछ भी नहीं है आपकी, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं होती है ना। इनको मैं पराठा भी असली घी में बना के देती हूं, ये भी वो बहुत नखरों से खाती है असली घी, क्योंकि मैं ताकि ना अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ असली घी के पराठे खा के। पराठे तो एक बात है, पराठे में ज्यादा खाती नहीं, मतलब आधा पराठा एक पराठा मुश्किल से बस। ये हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं पोटैटोस, और हम आपको आप असेंबली करके दिखाएंगे कि पराठे के बीच में जो आलू की लय लगती है, तह लगती है, तो वो कैसी लगती है। तो ये हमारी असेंबली हो गई, अब हमारी बारी है पराठे बनाने की। हमारे पास मौजूद है क्या? गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा, और ये है खुश्की। खुश्की खुश्की तो वो होती है जब आलू मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। मैं बनाऊंगी इसके पेड़े, ये मम्मा ने मुझे सिखाया था, मम्मा मुझे कितनी तादाद की पेड़े लाए, मैं पहले आपको बना के दिखाऊं। पेड़ नहीं बन रहे तो हम ग्लव्स को उतार देते हैं, क्योंकि मुश्किल हो गई, तो अब मैं पेड़ बनाऊंगी, आप उसको वो कर। ये आप देखिए पहले मैं कैसे बना रही हूँ, वॉश हैंड्स हैं हमारे, ठीक है, और मम्मा आप लोगों को बता रही थी वो कैसे बना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे बना। ये हम पहले इसका वो निकाल के रखे हैं, पेड़े बना रहे, फिर हम गोले बनाएंगे, गोले भी क्या टिकिया बनाएंगे, टिकिया बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या पास है। ये हमारे दो पेड़े बन चुके हैं,
एंड लंच विद पेड़ा। अब मम्मा आलू के पराठे की बता रही है कि आलू बीच में रखा कैसे जाता है, तो ये बीच में रख के बता रही है कि ऐसे करके आप पहले एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे, उसके बीच में आलू रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पेड़ा जो हमने बनाया हुआ है देख सकते हैं आप, ये इसके ऊपर आएगा ऐसे करके। रबीका का तो मैं सिखा चुकी हूँ, अब आप लोग सीख जाएं। हर जगह अलग अलग तरीके से बनते हैं वैसे, मगर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे करके हम बेलना स्टार्ट करेंगे और बहुत आराम आराम से बेलना पड़ता है इसको, नाजुक हाथों से, क्योंकि हर तरफ से बिल्कुल बराबर होगा बराबर, और मतलब कि वो हमारे जो आलू है वो फुल अच्छे तरीके से मैश्ड हैं, तो वो बीच में गुठली नहीं बनेगी ना हमारा पराठा फटेगा। मम्मा के सामने नहीं नर्वस हो रही है, बस बस पहले ये डालेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको साइड करके। अब हम इसमें डालेंगे आलू, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे आलू डाल रही हूँ। मैं स्पून नहीं था, स्पून से डालना था नहीं, दरअसल मैं हाथ से ही आलू भी रोटी हर काम हाथ से करती हूँ, तो आज मैं रबीका को भी वैसे ही सिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे करें। मैं स्पून से डाल रही होती हूँ, मैं तो इतनी नफीस हूँ, उनके हाथों पर मिर्ची ना लगे इसलिए डालती हूँ। ये हमारा आलू जो है वो उसमें डल चुका है, और साइडों से हम इसको दबाएंगे ताकि ये पैक हो जाए। अब आपको लग गया होगा रबीका हमारी, मैंने पहले भी बोला था बहुत सुगर बेटी है मेरी, हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। रमजान की वीडियो थी ना हमारी, रमजान की वीडियो, वीडियो सही जा रहा है। अब हम ले रहे हैं इसको, इसको थोड़ा सा हाथ से करें पहले। अच्छा मेरा जो बेलने का तरीका है वो है ऐसे, अभी सीख रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा, ससुराल जाने तक तो आ जाएगा। इतना कुछ तो माशाल्लाह सीख रही हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। और मेरा पराठा अभी तक फटा नहीं है, क्यों फटेगा, क्यों, क्योंकि मुझे आता है। और सिखाया किसने? ऑफ कोर्स माय मॉम, आई एम टॉर। और आप तवे पे डाले और असली घी डाल के पूरा गोल पराठा मैंने बनाया है, बहुत यमी बने। ये मम्मा का पराठा, ये मेरा पराठा, तुम देख सकते हो दोनों सेम लग रहे होंगे, लग रहा है कहीं से ये मम्मा का ये मेरा, दोनों बराबर। बहुत सारे पराठे में बनाने, फिर हम इसको फ्राई करते हुए, फ्राई नहीं मतलब पराठे को बना, हम इसको फ्राई किसमें करेंगे, यानी इसको पहले तवे पे डालेंगे, फिर ऊपर से असली घी की लेयर वो दिखाएंगे, हम पराठे असली घी में बनाएंगे, तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पराठा तवे पर डालेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर असली घी की तह लगाएंगे। यो। इसके बाद पराठे को हल्की आंच पर पकने देंगे। उसके बाद हम पराठे को पलटेंगे, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और आहा क्या खुशबू आ रही है असली घी की। फिर उसके बाद पराठे को हम दोनों तरफ से सेक कर निकाल लेंगे, हमारा पराठा रेडी है।
देख सकते हैं ये आलू के पराठे बन चुके हैं, कितने यमी लग रहे हैं ये, और मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा खाने का। और मैं टेस्ट करके देखूंगी, दही प्याज मैंने डाली हुई अपनी प्लेट में, और मम्मा की स्पेशल इमली की चटनी जो कि मैं खाऊंगी। अब चख के देखते हैं कितने मजे के बने। ऑफ कोर्स आपके रबी काशिफ खान ने बनाए हैं। वाव, इट्स यम्मी। मतलब आलू का टेस्ट इतना मजे का है मैं बता नहीं सकती, और ये वाकई में पास हो गई हूँ। तो ये रेसिपी आप घर में ट्राई करें, और मैं पूछूंगी फिर आप लोगों से, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मैं तो ज़्यादा खाती रहूँ। तो बस यहीं पे वीडियो एंड है, तो चले। So guys, ये आपने देखा हमारी एक बहुत ही स्पेशल YouTube वीडियो जिसमें हमने बनाए आलू के पराठे, और आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से सलीके तरीके से हमने बनाए आलू के पराठे। अब आप लोग डिसाइड करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मम्मा ने मेरी हेल्प की या मैंने मम्मा की हेल्प की। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, और ये वेदर इतना ज़बरदस्त चल रहा है, लोग पकौड़े बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, तो आज आप लोग हमारी कटलेट्स भी बनाते हैं जो कि मेरे फेवरेट है। तो आज आप लोगों ने देखा हमने आलू के पराठे बनाए, और हमने ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की कि हम लोग अपने घर में कैसे बनाते हैं। तो बहुत मज़ा आया होगा, और लड़कियों को तो खास तौर पे क्योंकि उनको बड़ा शौक होता है ऐसे खाने की चीज़ें देखने का, और अपनी उम्र की लड़कियों को खाना बनाते हुए देखने का। अब जिनके अंदर शौक भी नहीं होता उनके अंदर भी एक शौक पैदा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो से काफ़ी लड़की के अंदर शौक पैदा हो, वो वीडियोज़ बनाए और वो खाना बनाए घर में, और हेल्प करें अपनी मम्मा की, और खुश रहें सारे। और बस आप लोगों ने देखा, और ऐसी सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, क्योंकि एक ही बहुत ही डिफरेंट आइडिया था हमारी यूट्यूब वीडियो का। तो ऐसे ही आगे बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आने वाले हैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स टू माय मॉम, थैंक यू, माय यूट्यूब वीडियो का पार्ट बनी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लॉट्स ऑफ लव।